अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर आपको पता है कि एक ऐसे सर्किट को कहते हैं कि जो जिसमें सिग्नल जो है वो बार बार रिपीट होता है। ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ पीरियोडिक वेव फॉर्म ऑन इट्स आउटपुट विद ओनली द डीसी सप्लाई वोल्टेज एज एन इनपुट। यानी अगर हम ऑसिलेटर सर्किट को अगर हम डिस्कस करने से पहले ये देखें कि ऑसिलेटर है क्या चीज़। ऑसिलेटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सर्किट है कि जिसमें हम डीसी सप्लाई वोल्टेज अगर हम दें तो वो हमें इसे साइनोसाइडल फॉर्म में भी चेंज करके दे सकता है, स्केयर फॉर्म में भी चेंज करके दे सकता है, सार्टूथ में भी। यानी हम इसको एक रिपीटिंग सिग्नल के तौर पर हम इसमें से आउटपुट ले सकते हैं। अब ऐसा है कि आउटपुट वोल्टेज के नाइदर भी साइनोसाइडल और नॉन साइनोसाइडल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर जिस टाइप का भी होगा वैसी ही हमें आउटपुट मिलेगी। इनपुट पे हम डीसी दे रहे हैं लेकिन आउटपुट जो है वो हमें साइनोसाइडल या फिर नॉन साइनोसाइडल सिग्नल के तौर पे मिलेगी। तो ये जो पहला सिग्नल आप ऊपर देख रहे हैं ये साइनोसाइडल सिग्नल है, ये दूसरा जो है ये डिजिटल सिग्नल है यानी कि स्केयर वेव की सूरत में है, ये भी एक रिपीटिंग सिग्नल है, सा टूथ की फॉर्म में है। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी। टू मेजर क्लासिफिकेशंस फॉर ऑसिलेटर्स आर फीडबैक ऑसिलेटर्स एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। क्लासिफाई अगर हम करें ऑसिलेटर्स को तो हमें दो तरह की मेन क्लासिफिकेशन मिलती हैं, जिनमें एक तो है फीडबैक ऑसिलेटर्स और दूसरे टाइप के ये हैं जिनको आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स कहते हैं। फीडबैक ऑसिलेटर्स में जो आपका आउटपुट में से कुछ पोर्शन जो है इनपुट में फीडबैक किया जाता है और इस तरह से हमें कंटिन्यूस ऑसिलेशंस आउटपुट में मिलती रहती हैं। जबकि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो हैं ये नॉन साइनोसाइडल्स हैं और ये आपको टाइमिंग आरसी टाइमिंग सर्किट्स पे बिहेव करते हैं। बेसिकली ऑसिलेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको डीसी पावर सप्लाई से आपको पीरियोडिक वेव फॉर्म सिग्नल्स की उसमें चेंज करके देता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्तकिल जो है वो डीसी सप्लाई देते रहें तभी आपको आउटपुट पे सस्टेंड सिग्नल मिलेगा, बल्कि सिर्फ एक दफ़ा ही डीसी अगर आप अप्लाई करें सिग्नल दे दें तो आपको ऑसिलेटर अगर प्रोप्रिएट सर्किट होगा तो वो आपको कंटिन्यूस आउटपुट सप्लाई जो है वो सिग्नल की देता चला जाएगा। अगर हम ऑसिलेटर्स को देखें तो दो तरह के ऑसिलेटर्स के हो गए, साइनोसाइडल एंड नॉन साइनोसाइडल। साइनोसाइडल जो हैं वो अमूमन फीडबैक ऑसिलेटर्स होते हैं और फीडबैक आप मुख्तलिफ सर्किट से ले सकते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑसिलेटर होते हैं जिनमें फीडबैक जो है वो आप आरसी सर्किट से लेते हैं, उनको बोलते हैं आरसी ऑसिलेटर्स। आरसी ऑसिलेटर्स में की एग्जांपल्स में आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। फिर अगर हम आरसी की बजाय फीडबैक एलसी सर्किट से लें तो एलसी ऑसिलेटर्स बन जाएंगे और एलसी ऑसिलेटर्स की एग्जांपल है हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स एंड क्लैप ऑसिलेटर। फिर इसी तरह अगर हम क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स होते हैं और इनमें पायरस और मिलर्स ऑसिलेटर्स आ जाते हैं। अगर हम नॉन साइनोसाइडल पे आ जाएं जो कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स हैं तो इनमें हमें दो तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं, जिसमें एक तो ये आ गया एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स अमूमन नॉन साइनोसाइडल होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स जो हैं वो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो हैं ये भी आपको नॉन साइनोसाइडल फॉर्म में आपको सिग्नल जो है वो देते हैं। एप्लीकेशंस अगर हम हमारा यहाँ पे हमने इस चैप्टर में मेन जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स की बजाय हमने फीडबैक ऑसिलेटर्स को फोकस करना है। तो फीडबैक ऑसिलेटर यानी जो साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स हैं उन पे हमारा मेन फोकस होगा। तो उनकी एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि फेज शिफ्ट एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स आर यूज्ड टू जनरेट ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। इनमें आपने ऊपर ये देखा कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर है, ये वो ऑसिलेटर्स हैं जो आपको आउटपुट में जो सिग्नल देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडियो रेंज की होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। इसके अलावा ट्यून्ड ऑसिलेटर्स, हार्टले एंड कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो एलसी ऑसिलेटर्स हैं आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर्स आर यूज्ड वेयर हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो
तो ये इस तरह से आप ऑडियो, रेडियो और फिर ये हाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये डिफरेंट ऑसिलेटर्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। फीडबैक ऑसिलेटर्स हैं। फीडबैक ऑसिलेटर्स के बारे में जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि अ फीडबैक इज करेक्टराइज्ड बाय द कंडीशन वेयर इन अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज फेड बैक टू द इनपुट विद नो नेट फेज शिफ्ट। यानी अगर आउटपुट में से कुछ पोर्शन इनपुट में इस तरह से शामिल किया जाए कि फेज शिफ्ट ना हो, आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के दरमियान कोई फेज शिफ्ट ना हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो टोटल सिग्नल है उसमें रीइन्फोर्समेंट होगी, वो एक दूसरे को इन्हेंस करेंगे और इस तरह से आपको इन्हेंस्ड या रीइन्फोर्स्ड आउटपुट सिग्नल जो है वो मिलेगा। ऐसे फीडबैक को आप पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक अमूमन हम अगर हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम यूज़ करें ऑसिलेटर बनाने के लिए, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको पता है कि दो तरह के टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। तो अगर हम पॉजिटिव फीडबैक लेना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सर्किट उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ लगाना पड़ेगा कि जो आपको ना सिर्फ ये कि आउटपुट में से कुछ पोर्शन फेड बैक करे, यानी फीडबैक भी दे और पॉजिटिव फीडबैक दे, यानी फेज शिफ्ट जो है वो आउटपुट और इनपुट सिग्नल के दरमियान जीरो हो। तो ये दो कंडीशन, अगर हमें एक ऑसिलेटर बनाना है तो हमें दो मेन दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, एक एम्पलीफायर, ये एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, जैसे रिलैक्सेशन मल्टी वाइब्रेटर्स अमूमन हम ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, ये भी हम ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ मोर अप्रोप्रिएट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ पे हम ये जो सिग्नल जो इसके हमें फीडबैक चाहिए उसके लिए हम एक फीडबैक सर्किट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आरसी फीडबैक सर्किट्स हो सकते हैं, इसमें एलसी फीडबैक सर्किट्स हो सकते हैं। जिस टाइप का हमें ऑसिलेटर चाहिए उस टाइप का हमें फीडबैक सर्किट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक एलिमेंट फीडबैक ऑसिलेटर हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन को यहाँ पे हम ए वी शो कर रहे हैं। अब यहाँ से इनपुट दी और इनपुट जो है ये देखें, जब आप इसका पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं तो आपको आउटपुट में भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो ऐसा एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सी टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब अगर आपको सिग्नल इन फेज मिल रहा है तो आप नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब जब आपने इसको सिग्नल दिया, अब ये सिग्नल में से कुछ पोर्शन जो है ये फीडबैक आउटपुट सिग्नल में से फीडबैक सर्किट कुछ पोर्शन उठाएगा और वापस इनपुट में अप्लाई कर देगा। अब जब ये अप्लाई कर रहा है, वापस इनपुट में अप्लाई कर रहा है, तो ये सिग्नल जो फीडबैक पोर्शन है और ये इनपुट सिग्नल, ये दोनों क्या है, ये इन फेज हैं, इनका टोटल फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। तो इस तरह से ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो आप यूज़ करें। इसमें फीडबैक सर्किट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, फीडबैक सर्किट जो है इसको फेज शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर हम एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग स्टाइल में यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली जब आप ये नेगेटिव पोर्शन अप्लाई करेंगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल। तो मतलब आपको आउटपुट जो है वो इनपुट के हिसाब से आउट ऑफ फेज मिल रहा है। अब इस तरह ये आउट ऑफ फेज सिग्नल आपका फीडबैक सर्किट उठाएगा और वापस जब इसको इनपुट में शामिल करेगा तो ये दोनों सिग्नल आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो अब फीडबैक सिग्नल से सर्किट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई, वो ना सिर्फ ये कि आपका कुछ पोर्शन आउटपुट में से उठाएगा बल्कि उसकी फेज को इन्वर्ट करेगा ताकि वो इनपुट सिग्नल जैसी उसकी फेज हो जाए और आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के साथ, ये देखें, ये अगेन ये दोनों जो है ये इन फेज एक दूसरे में शामिल होंगे और इस तरह से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो ये दो स्टाइल में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि हमने ये तो उसका मेन ऑसिलेटर के मेन सर्किट एलिमेंट्स हो गए कि क्या होते हैं। अब ये है कि ऑसिलेशंस लेने के लिए और हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए। टू मेन कंडीशंस अगर हों तो आपका एक सर्किट ऑसिलेटर सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है, द फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इफेक्टिवली जीरो। वही बात के जो फीडबैक लूप के अराउंड जो आपकी
फेज शिफ्ट है, यानी आउटपुट और इनपुट सिग्नल में फेज शिफ्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि द वोल्टेज गेन ACL अराउंड द क्लोज्ड फीडबैक लूप मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। ये जो आपकी ये चीज़ है, यानी ये इस सर्किट ने इस आउटपुट में से जितना पोर्शन अप्लाई करना है इनपुट में, उसको आप बोलते हैं अटेनुएशन। अटेनुएशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी रिडक्शन इन द सिग्नल। तो अटेनुएशन को आप बी से डिनोट करते हैं। तो ये जो टोटल आपको गेन मिले, टोटल गेन क्या होगी, इसकी गेन यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अपनी गेन साथ में अटेनुएशन, रिडक्शन इन द सिग्नल, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको इस पूरे लूप की टोटल गेन बताएंगे। तो वो टोटल गेन जो है वो क्लोज्ड लूप गेन कहलाएगी। और वो क्लोज्ड लूप गेन जो होगी, दैट इज ACL इज इक्वल टू AV इंटू B। अगर आप इस सारी गेन को AV कहें तो फिर इसकी गेन को आप ACL कह सकते हैं, और अगर आप इसकी गेन को AV कह रहे हैं तो ये पूरी इसकी गेन को आपने, क्लोज लूप गेन को आपने ACL कह देना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता नामों के, बार बार आगे भी आप देखेंगे कि किसी जगह नाम जो है वो चेंज हो रहे हैं। बहरहाल इतना याद रखें कि इसकी गेन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अपनी गेन और साथ में अटेनुएशन, ये दोनों मिल के बनाती हैं इस पूरी लूप की गेन। तो इस पूरी लूप की जो गेन है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इस सर्किट की फीडबैक सर्किट की अटेनुएशन, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1/100 हो, अगर बी की वैल्यू 1/100 हो, तो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 100, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, दोनों 100 100 को कैंसिल करेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी आपकी लूप की गेन जो आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर इसकी गेन जो है ये 1/3 है, तो इसकी गेन को क्या होना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन को होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो लूप गेन मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो इस तरह की कंडीशन अगर आप ले आएंगे तो फिर आपका ऑसिलेटर सर्किट जो है वो बन जाएगा। तो ये आपकी फेज शिफ्ट आ गई, फेज शिफ्ट जीरो होनी चाहिए, और क्लोज लूप गेन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू यूनिटी। अच्छा, अब ये है कि कंडीशन हमने ले ली, कंडीशन के बाद हमारे पास आ जाता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, यानी कि स्टार्टअप कंडीशन क्या है, ऑसिलेटर स्टार्ट कैसे होता है। For oscillation to begin, the voltage gain around the positive feedback loop must be greater than 1. शुरू में स्टार्ट करने के लिए आप ऐसी कंडीशंस लेके आएं कि जो आपकी लूप गेन है, अभी हमने कहा कि लूप गेन 1 होनी चाहिए, तो आप उसको स्टार्ट करने के लिए ऐसी कंडीशन लेके आएं कि हमारी जो लूप गेन है वो 1 से ज़्यादा हो। अगर लूप गेन हमारी 1 से ज़्यादा होगी तो उसका कुछ हमें फ़ायदा होगा, उसके साथ ही शुरू में अगर लूप गेन 1 होगी तो उससे हमारा क्या होगा, आउटपुट सिग्नल जो है वो उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी हम और ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ तक कि हमें हमारे डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिल जाएगा। द गेन मस्ट देन डिक्रीज टू 1, और जब हमें डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिल जाए तो फिर गेन को 1 हो जाना चाहिए, तो फिर लूप गेन 1 होगी, तो फिर फर्दर वो उतनी ही एम्पलीट्यूड का सिग्नल जो है वो सस्टेन करेगा। सो दैट द आउटपुट स्टेज एट द डिज़ायर्ड लेवल एंड ऑसिलेशन इज सस्टेन्ड। इनिशियली अ स्मॉल पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज डिवेल्प्स फ्रॉम थर्मली produced broadband noise in the resistors or other components or from the power supply turn on transients। और ये जो DC signal जिस पे हमारा oscillator start हो जाता है वो हमें कहीं से भी मिल सकती है, वो जब हम एकदम से power supply on करते हैं तो कुछ signal जो है वो उसमें variation आती है, जैसे ही वो variation आती है तो वो sustain कर जाती है और हमें output हम मिलना शुरू हो जाती है, या फिर thermally generated temperature की वजह से भी आपके जो नॉइज क्रिएट हो जाती है उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो इस सिग्नल के लिहाज, इस सर्किट के लिहाज से सूटेबल होती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को ये ऑसिलेटर लेके तो उसकी ऑसिलेशंस जो है वो जनरेट करवा देता है।
बाकी ये ऑसिलेटर्स आपने अपनी लैब में भी यूज़ किए हैं, लेसेजस फिगर्स वगैरह बनाने में आप ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं, आपने वहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्म में ऑसिलेटर्स देखे हुए हैं। ये ऑसिलेटर्स के इनसाइड सर्किट्स हैं। तो शुरू में इस तरह का अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि शुरू में आपकी जो लूप गेन है वो 1 से ज़्यादा हो, और जैसे ही आप डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड, या देखें शुरू में गेन जो है वो 1 से ज़्यादा हो है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ करते 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 इस पॉइंट पे जाके अब क्या है कि हमें रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड, हमें डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिल गया। अब यहाँ पे आपका जो है लूप गेन 1 तक डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अगर आप रखेंगे तो आप एक ऑसिलेटर को बना सकते हैं।